All right, everyone. Today we are going to study about merits of statutory corporation. तो बीच में अपना दो दिन का तो गैप ही डल गया है, तो एक बार मैं आप लोगों को ना ब्रीफ रीकैप दे देती हूँ कि स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन हमने पढ़ना कहाँ से शुरू किया था. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. सरकार ने अगर भारत देश के अंदर बिजनेस चलाने हैं तो वो तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है. पहली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसकी एग्जाम्पल हमने कौन सी देखी, रेलवेज. रेलवे से याद आया, ओडिशा में अभी अभी एक बहुत ज्यादा भयंकर कुछ रेलवेज का एक्सीडेंट हुआ है, तो लेट्स प्रे फॉर द विक्टिम्स की वहां पर जितने भी लोग थे वो जल्दी से ठीक हो जाएं. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया, जिसमें सरकार की डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर ये बिजनेस बनाया जाता है. उसके बाद स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन आ गया बेटा. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके बनाई जाती है. हमने इसकी पढ़ाई करनी शुरू करी, हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन में सरकार एक स्पेशल एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में और ये बिजनेस बन जाता है. नंबर टू, सरकार एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे देती है, फिर डेली रूटीन में पैसा कमाने की लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खुद की होती है. हमने एक और बात सीखी थी कि इनके इंप्लॉयज सरकारी इंप्लॉयज नहीं कहलाते हैं और इनके ऊपर सरकार के अकाउंटेंसी और ऑडिट वाले रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, है ना. यही सब पढ़ा था ना बेटा हमने अभी तक. तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इसके फायदे क्या क्या हैं. टोटल गिनकर आप देख सकते हैं बेटा, चार फायदे हैं स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन बिजनेस को खोलने के. सबसे पहला फायदा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दे इंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. यानी कि बेटा अगर आरबीआई को, एसबीआई को, एलआईसी को कोई भी डिसीजन लेना है ना बेटा जिया, तो उनको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है. वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन है ना, जैसे का वो अपने आप ले सकते हैं. ये चीज समझ में आ रही है यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग. अपने कार्य में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस को इंजॉय करते हैं, सरकार की इंटरफेरेंस नहीं रहती है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ज्यादा थी, यहाँ पर उससे थोड़ी कम है. अब सेकंड पॉइंट में देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है. मैंने लिखा है कि क्योंकि फंड्स गवर्नमेंट बजट से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फंड्स गवर्नमेंट बजट से नहीं आ रहे हैं तो सरकार ज्यादा इंटरफेरेंस वैसे ही नहीं करती, स्पेशली उन मैटर्स में जहां पर कोई प्राइस सेट करना हो या रेवेन्यू का क्या करना है क्या नहीं करना, उन मैटर्स में सरकार ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है. वो आरबीआई अपने आप देखेगी, एसबीआई अपने आप देखेगी, एलआईसी अपने आप देखेगी. तो दो फायदे क्या पता लगे बेटा अभी तक, सबसे पहले तो थोड़ी हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, और दूसरा सरकार इंटरफेयर नहीं करती है. क्यों नहीं करती है बेटा, क्योंकि इनका जो पैसा है वो डायरेक्टली सरकार से नहीं आता है. डिपार्टमेंटल टेकिंग में हमने देखा था पैसा इन्वेस्ट भी ट्रेजरी से किया जाता था और रेवेन्यू वापस भी ट्रेजरी में जाता था. यहां पर सरकार ने एक बार इनको बेस फाउंडेशन बनाकर दे दी बिजनेस की, उसके बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कहते अब आप इस बिजनेस को अपने आप चलाओगे, है ना. अब थर्ड पॉइंट में देखिए बेटा, ये ऑटोनॉमस यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह काम करती है. दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस. ये अपनी पॉलिसी खुद बनाती है बेटा, अपने प्रोसीजर्स को खुद बनाती है, लेकिन किसके तहत, जो पावर्स इनको असाइन की गई हैं उसके अंडर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो उस एक्ट में सिर्फ ये नहीं लिखा था कि आज से आरबीआई हिंदुस्तान में एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है. कुछ पावर्स दी गई थी आरबीआई को, उसको कुछ चीजें, रूल्स, रेगुलेशंस दिए गए थे. तो जितनी पावर्स इनको दी हैं उसके मुताबिक ये अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोसीजर्स को सेट कर सकते हैं. और हमारा लास्ट पॉइंट ये आ गया बेटा कि ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ना बेटा स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन एक बहुत ही वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है. आरबीआई को देख लीजिए बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग की प्रोग्रेस में मदद करता है, ठीक है. एलआईसी को देख लीजिए बेटा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है आपके पास, इसने हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा इंश्योरेंस बेचकर लोग हमारे इंडिया को कितना डेवलप किया है, राइट. तो इसीलिए ये इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बिकॉज यहाँ पर सरकार की पावर कंबाइन हो जाती है प्राइवेट के साथ. मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, सरकारी स्कूलों की फीस कितनी कम रहती है और प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन कितनी अच्छी रहती है. अगर आपको सरकारी स्कूल की फीस में प्राइवेट स्कूल वाली एजुकेशन मिल जाए तो ये इकोनॉमी डेवलप करने वाली बात हुई ना, वही स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन करती है हमारे समाज के अंदर. तो चार हमने क्या पॉइंट सीखे बेटा, सबसे पहले तो हमने सीखा हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्रीडम है. और सेकंड हमने सीखा क्योंकि पैसा डायरेक्टली सरकार की तरफ से नहीं आता तो मनी मैटर्स में सरकार की ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती है. नंबर 3,
ये लोग अपने पॉलिसीज और अपने प्रोसीजर्स खुद बनाते हैं, सरकार से इनको ज्यादातर पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने पॉलिसी बनाएंगे, अपने प्रोसीजर बनाएंगे इनको जो पावर्स असाइंड हुई हैं उनके अनुसार। और लास्ट फोर्थ पॉइंट हमने सीखा, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं बिकॉज यहाँ पर पावर कंबाइंड है सरकार की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये चीज आप सबको क्लियर हो गई है बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट।